सीरियल तेरा मेरा साथ रहे में सक्षम और गोपिका के बीच बड़ी नजदीकियां। भाई यहाँ पर मिथिला को लग चुकी है चोट और गोपिका उसका काफी अच्छे से ध्यान रखती है, तो ये सब कुछ देखते हुए यहाँ पर सक्षम भी उसका साथ देते नजर आता है और मिथिला और सक्षम दोनों ही उसको धन्यवाद करते हैं। यहाँ तक कि शाम को डिनर पर जाना चाहिए ये मिथिला उन्हें एडवाइस करती है और सक्षम ऐसा ही करता है और एक टेबल बुक कर लेता है। तो वही दूसरी तरफ देखने को मिलता है गोपिका किचन में सारा काम कर रही होती है और वो अपने देवर से सब मदद मांगती है इंग्लिश सीखने में और हर वक्त वो उसी से इंग्लिश में वर्ड पूछती रहती है और वो उसे अच्छे से सिखाता रहता है और उसका टीचर बन चुका है और जल्दी ही वो इंग्लिश भी सीख ले जाएगी। तो दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि ये खबर प्रिया को मिल जाती है कि गोपिका और सक्षम दोनों ही डिनर पर जाने वाले हैं और प्रिया को लगता है उसके लिए बुक हुई है, लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ तो उसने गोपिका के लिए किया होता है और सक्षम कहता है कि माना कि हमारी कोई कुछ क्वालिटीज मैच नहीं करती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरी वाइफ नहीं है और उसमें बहुत अच्छी क्वालिटीज भी है, वो मेरी माँ का ध्यान रखती है, पूरे परिवार का ध्यान रखती है और वही क्वालिटीज के लिए मैं एक मौका इस रिश्ते को देना चाहता हूँ और मेरे और उसके रिश्ते के बारे में कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है और प्रिया को बहुत बुरी तरह से डांट पड़ती है। इसके बाद देखने को मिलता है किसी ने उसको एक चिप भेजी है प्रिया को जिसमें सारा रिकॉर्ड हो चुका है कि उसने मिथिला को डंडा भी मारा था और ये बहुत बुरी तरह से डर जाती है, लेकिन इतनी देर में देखने को मिलता है कि वो चिप तो कहीं उससे खो जाती है और वो गोपिका के हाथ लग जाती है और गोपिका ले जाकर उसे सक्षम को थमा देती है, लेकिन बड़ी चालाकी से प्रिया वहां पर नौटंकी करके वापस से चिप हासिल कर लेती है और देखने को मिलता है कि सक्षम वो देख नहीं पाता। तो वही देखने को मिलता है कि अब आने वाले एपिसोड में वो डिनर पर जाएंगे गोपिका और सक्षम और दोनों में काफी रोमांटिक सीन दिखाए जाएंगे और सक्षम को भी गोपिका से प्यार हो गया है।